तो आज गाड़ी हमारे पास आई है शिफ्ट डीजल ओल्ड मॉडल, जिसमें ये सर्विस लाइट की बत्ती आने की प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों 99% तो यही होता है कि ग्लो प्लग खराब होने के कारण आता है। तो अब आज हमारे पास भी आई है, हम इसे चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले हम ग्लो प्लग के सारे कंटिन्यूटी और उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, देन उसके बाद आगे डिसीजन लेंगे कि क्या होता है। पहले उनको ग्लो प्लग को चेक करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। हम गाड़ी पे आ गए हैं गाइस। अब हम सबसे पहले इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से आपको पता है एक जो पॉइंट होता है इसका नेगेटिव पॉइंट उसका बॉडी से मिल जाता है और पॉजिटिव इसका टॉप पे रहता है ग्लो प्लग के। तो अब हम एक को बॉडी से टच कर देंगे और इसके टॉप पे लगाएंगे, कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। सेकंड पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी बता रहा है, बीप सुनाई दे रही शायद आप। थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में भी देखिए कैलकुलेशन चल रही है और कंटिन्यूटी भी बता रहा है और कुछ ओम में भी बता रहा है। फोर्थ में चेक करेंगे, फोर्थ में भी कंटिन्यूटी आ रही है। अब हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे दूसरी तरह से। अब इसको हम 200 पे रखेंगे और उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब पहले वाले पे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, पहले वाले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। सेकंड वाले पे चेक करेंगे, सेकंड वाले पे आ रहा है। थर्ड वाले पे चेक करेंगे, थर्ड वाले पे भी आ रहा है। तो गाइस 0.1 कुछ आ रहा है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, डाउन नहीं आना चाहिए, 0.6 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी आपका ग्लो प्लग खराब है। अब फोर्थ वाला चेक करेंगे, फोर्थ वाले में भी आ रही है, ये देखिए फोर्थ वाले में भी आ रही है रेजिस्टेंस। अब हमने पहला जो चेक किया था पहले में नहीं आ रही थी, पहले में देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ वेरी नहीं हो रहा है, यानी हमारा पहला नंबर का ग्लो प्लग खराब है। तो जनरली सर्विस लाइट इसी वजह से 90% जो आती है इस ग्लो प्लग की वजह से आती है, नहीं तो अपना एक मॉड्यूल होता है इसका ग्लो प्लग का, उसके मिस कॉन्टेक्ट की वजह से ये बत्ती आती है। तो अभी हमें दिख गया है कि ये पहला नंबर का ग्लो प्लग खराब है, इसको हम चेंज करते हैं, उसके बाद चला के देखते हैं सर्विस लाइट जाती है कि नहीं जाती है। हमने लगा लिया है, अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं ये सर्विस लाइट जाती है कि नहीं जाती। तो गाइस चली गई है, बट इसमें क्या होता है कि ड्राइविंग सर्कल आपको पूरा करना है, होता है ड्राइविंग सर्कल का मतलब ये पूरा एनालाइज कर लेता है, यानी आपको 3 से 4 बार आपको स्टार्ट ऑफ करना है। ये मैंने फिर स्टार्ट करी, देख सकते हैं आप, जहाँ पे यहाँ पे सर्विस लाइट आ रही थी वो जा चुकी है। तो कंफर्म है, मतलब लगभग 90% यही होता है कि ग्लो प्लग के शॉर्ट होने की वजह से, कोई ग्लो प्लग खराब होने की वजह से ये बत्ती आती है। या दूसरा रीज़न ये होता है इसका मॉड्यूल जो होता है वो मॉड्यूल के मिस कॉन्टेक्ट की वजह से भी आती है। तो आप दोनों को चेक करें, मैंने आपको रेजिस्टेंस चेक करके बता दिया, उससे आप पहले खोले बिना भी चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ से ओके है तो आपको उसके मॉड्यूल में जाके चेक करना पड़ेगा कि उसकी कोई कपलिंग वगैरह कोई लूज है कि नहीं है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, आपने देख लिया जैसे कि इसमें ग्लो प्लग शॉर्ट था पहले नंबर का, हमने ग्लो प्लग डाला और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।